गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को मणिपुर के इम्फाल पहुंचे। यहां देर रात उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने पर चर्चा हुई। अमित शाह मणिपुर में 4 दिन रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री कई राउंड की सुरक्षा बैठकें करेंगे। इससे पहले दिन में मणिपुर सरकार ने राज्य में हिंसा को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर राजद्रोह केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। अमित शाह के दौरे से एक दिन पहले रविवार को भी मणिपुर के कुछ इलाकों में हिंसा हुई थी। राजधानी इम्फाल से लगे सेरो और सुगुन इलाके में हिंसक झड़प हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हुए। राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जाने गई हैं। 26 दिनों से जारी हिंसा के बीच पुलिस ने रविवार तक 40 लोगों का एनकाउंटर भी किया है। राज्य के CM एन बीरेन सिंह ने इन एनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने एनकाउंटर में मारे गए लोगों को मिलिटेंट बताया है। CM ने कहा ये लोग आम नागरिकों के खिलाफ M16, AK-47, असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार रात मणिपुर पहुँच गए हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ।